छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के काफी करीबी माने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मोहम्मद अकबर को कवर्धा विधानसभा में करारी हार मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर को मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र दिया है। इस दौरान अध्यक्ष ऋषि शर्मा जनता का 4 साल से सेवा करने का मौका मिला है और आगे भी जनता की सेवा और जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कवर्धा नगर पालिका के अब जो भी अध्यक्ष होंगे उनसे गुजारिश है कि जैसे शहर का 4 सालों में विकास हुआ वैसे ही चलता रहे। अभी आगामी पिछले दिनों जो 2023 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है उसमें पूरे प्रदेश में और कवर्धा विधानसभा में भी कांग्रेस की करारी हार हुई है, जिसमें कवर्धा नगर पालिका के 42 बूथों में से 35 बूथों में हम हारे हुए हैं। और चूंकि मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था और ये मेरी नैतिक जवाबदारी बनती है कि कवर्धा में अगर कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी अकबर भाई की हार होती है तो इसकी मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने अपील है, मुझे रिजाइन दिया है। रिजाइन के पश्चात जो प्रक्रिया होती है जो उसके स्वीकृति के लिए इस्तीफा स्वीकृति के लिए उसको अग्रिम कार्यवाही के लिए शासन को भेजा जाएगा। सर अभी नया अध्यक्ष बनना है उसका क्या प्रोसीजर है? अमेन भी होता है और निर्वाचन भी होता है। 6 महीने इस्तीफा स्वीकृत होने के बाद 6 महीने तक निर्वाचन कराना रहता है, वो शासन स्तर की बात है, निर्वाचन की बात है। जैसे उच्च अधिकारी को निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। ये शासन स्तर की बात है, नगर पालिका स्तर में।